हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो दुनिया के अंदर हार्दिक स्वागत है। हम एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं और आज साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर ले रहे हैं और पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम पदार्थ को ही समझने की कोशिश करेंगे कि पदार्थ आखिर होता क्या है। तो पदार्थ एक तरह से वस्तु ही है। तो वस्तु कौन सी? वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान या भार होता है। वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान और द्रव्यमान या फिर भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। और साथ ही इसका एक और लक्षण होता है जिसका आयतन होता है। और आयतन वाली वस्तुएं क्या करती है? स्थान घेरती है। तो वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान और आयतन होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो स्थान घेरने वाली वस्तुओं का आयतन होता है और आयतन को हम मापते हैं मीटर क्यूब में। और यदि वह पदार्थ लिक्विड फॉर्म में है तो उसके आयतन को हम मापते हैं लीटर में। ध्यान रखिएगा, जो आयतन की इकाई है वो है मीटर क्यूब यानी घन मीटर। या फिर इसकी जो लिक्विड फॉर्म में यदि कोई पदार्थ है तो उसके आयतन की जो यूनिट है वो है लीटर। अब इसी प्रकार से द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हम मापते हैं द्रव्यमान को मापते हम किलोग्राम के अंदर। तो द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम और आयतन की यूनिट है, आयतन की इकाई है मीटर क्यूब या फिर ये प्रति या फिर पर नहीं है जो ऑब्लिक है या फिर उसको हम लीटर में भी माप सकते हैं। तो उसी हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थों का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है। पहला भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। और दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, अब ये जो पदार्थ है भौतिक गुणों के आधार पर भी पदार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं और रासायनिक गुणों के आधार पर भी पदार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ या पदार्थों का वर्गीकरण। तो भौतिक गुणों के आधार पर बेसिकली पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्तमान में पांच प्रकार माने गए हैं। तो पदार्थ की अवस्था है उसे हम एक तरह से भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण मानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा दो और प्रकार माने गए हैं अभी फिलहाल, प्लाज्मा और BEC। यहाँ BEC का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, बोश आइंस्टीन। कंडेंसेट, ये बोस और आइंस्टीन दोनों वैज्ञानिकों के नाम है। कंडेंसेट स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, कंडेंसेट। तो ये पांच अवस्थाएं हैं। तो इसी प्रकार से पदार्थ भौतिक गुणों के आधार पर पांच प्रकार के हैं,
ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बीईसी, और बीईसी का पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से पदार्थ के भौतिक गुण हैं जिसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे पदार्थों के भौतिक गुण। पदार्थों के भौतिक गुण, और इसमें पहला भौतिक गुण है वो है पदार्थ, सॉरी सॉरी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये पहला भौतिक गुण है पदार्थ का कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब इसके अंदर जो कण है वो कितने छोटे हैं, कणों से मिलकर बना हुआ है लेकिन वे पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। तो पदार्थ के कण एक तरह से परमाणु हैं, तो जितने परमाणु हैं या फिर जितनी परमाणु की साइज है या आकार है उतने छोटे ये पदार्थ के कण होते हैं। तो एक ऐसी अवस्था आती है जब इसको हम तोड़ते रहते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आती है जब वो पदार्थ के कण इनडिवाइजिबल या फिर अविभाज्य होते हैं, यानी जिसे हम और तोड़ नहीं सकते। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट या फिर प्रैक्टिकल के तौर पर हम देखते हैं कि कितने छोटे पदार्थ के कण हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दो से तीन भी कर लेते हैं और उसके अंदर पानी लेते हैं, और इस पानी के अंदर कुछ पोटेशियम परमैंगनेट, आप नाम सुना होगा पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका रासायनिक सूत्र है KMnO4। ध्यान रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक नाम सूत्र है KM(n)O4, इसका रासायनिक सूत्र है। जिस प्रकार से पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, ठीक है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, उसी प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है जिसमें N छोटा लिखा जाता है। N क्यों छोटा लिखा जाता है, क्योंकि MN दोनों मिलके मैग्नीज परमाणु का संकेत बनाते हैं या फिर मैग्नीज परमाणु का प्रतीक बनाते हैं। और इसे हम सामान्य भाषा में लाल दवा भी कहते हैं, जैसे कि H2O है, तो H2O का रासायनिक नाम क्या है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑक्साइड। अब इसी प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट है वो KMnO4 का रासायनिक नाम है, और इसे सामान्य भाषा में लाल दवा कहते हैं। जिस तरह से हम H2O को पानी कहते हैं या जल कहते हैं, उसी प्रकार से हम पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं, और ये लाल गुलाबी रंग का पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। सबसे पहले हमें एक बीकर लेना है, और बीकर के अंदर 90 मिलीलीटर पानी डालना है, और उसके अंदर 10 मिलीलीटर आपको KMnO4 डालना है। अब इसमें से
ये पूरा 100 ml का घोल बन जाता है, यानी कि 100 मिलीलीटर का घोल बन 100 मिलीलीटर का घोल बन जाएगा। और इसमें से आपको 10 मिलीलीटर वापस इस घोल को बाहर लाना है, और फिर एक दूसरे बीकर को लेना है, और उस दूसरे बीकर को लेने के बाद में उसमें आपको वापस 90 ml पानी डालना है, और 90 ml पानी डालने के बाद उसके अंदर 10 ml जो आपने घोल बाहर निकाला है वो इसके अंदर उड़ेल देना है। वापस आपके पास में 100 ml घोल हो जाएगा। अब ये प्रक्रिया आपको 5-6 बार या फिर 10 बार तक दोहराते रहना है। इससे क्या होगा कि पहले जो आपका घोल काफ़ी गाढ़ा था, जिसके अंदर लाल रंग ज़्यादा था, लाल गुलाबी रंग ज़्यादा था, तो वो फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो बहुत कम मात्रा होने पर भी, उस लाल दवा की बहुत कम मात्रा होने के बावजूद भी, वो गुलाबी रंग आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, साथ ही आपको उसकी स्मेल भी आपको आएगी। जब आप उसको सूंघेंगे तो आपको स्मेल आएगी लाल दवा की। तो इससे ये पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट या फिर किसी भी पदार्थ के इतने छोटे कण होते हैं जिसे हम अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते, और उन कणों को ही परमाणु कहा जाता है एक तरह से। तो ये इतने छोटे कण होते हैं। तो पदार्थ का पहला भौतिक लक्षण हुआ या फिर पहला भौतिक गुण हुआ कि पदार्थ के कण हैं, जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना हुआ है, और दूसरा पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं, और जैसे हम उसको तोड़ते रहते हैं पदार्थ को, तो एक ऐसी अवस्था आती है जब वे सारे कण हैं वे टूटना बंद हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये इतना बड़ा, उदाहरण के तौर पर ये कोई पदार्थ है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो इसके थोड़े बड़े बड़े टुकड़े होंगे, फिर इसको भी तोड़ेंगे थोड़े बड़े, यानी टुकड़े और छोटे होते जाएंगे, फिर और छोटे, फिर इसको भी तोड़ेंगे और छोटे, ऐसे करते 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 बहुत छोटे छोटे कण टुकड़े बनेंगे, ऐसे इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। अब हम इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर कण टूटेंगे नहीं, तो इसे हम अविभाज्य कण कहेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अविभाज्य कण कहते हैं। और उन अविभाज्य कणों का दूसरा नाम है परमाणु। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट भौतिक गुण हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो अगला वीडियो जैसे ही इस YouTube चैनल के ऊपर अपलोड हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।